अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन नवा और आप लोग देख रहे हैं वी ट्रिपल एस वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको एक और आइकन 24/7 टीचर्स ऑनलाइन एडवांस लर्निंग का भी नज़र आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन एडवांस लर्निंग शुरू किया है, जिसमें मैंने आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट लेक्चर रिकॉर्ड करके उस चैनल के ऊपर रखे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे आपने मुझे VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे प्रमोट कर रहे हैं, वैसे ही मुझे 24/7 टीचर्स ऑनलाइन में भी प्रमोट कीजिए और इस चैनल पे जाइए। इस चैनल का जो URL है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है और आपको इस वीडियो के एंड पर भी मिलेगा, www.youtube.com/teachersonlineforyou। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के, आपके इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के, HTML के, जावा के, वेब डेवलपमेंट के, ऑफिस के और बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ पे जाइए और उन लेक्चर्स से भी फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं सोल्यूशन के हवाले से, उसमें आपका असाइनमेंट सोल्यूशन है, उसमें आपका क्विज का सोल्यूशन है, उसमें आपका GDB का सोल्यूशन है, तो वो सारी की सारी सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ। तो अगर उसमें कहीं कोई प्लस माइनस की मिस्टेक होती है तो वो भी आप लोग अपने एंड पे ठीक किया करें और मेरी सारी वीडियोस को एज एन आइडिया ही कंसिडर किया करें। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो MTH302 बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक का एक हमारा सब्जेक्ट है, उसकी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है, उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस असाइनमेंट की जो है रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, इसके अंदर हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द पेमेंट। उसमें ये है कि पेमेंट ऑफ $670 आर बीइंग मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 5 ईयर, कि हम जो है हर साल के अख्ताम पे 670 रुपये जमा करवाते हैं ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड मंथली, और जिस पे हमें कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट रेट मिलता है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट, हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, सपोज मिस्टर अरफलान बेसिक सैलरी इज ₹12,000, कैलकुलेट द अलाउंसेस, हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल, कन्वेंस अलाउंस एंड ऑल्सो फाइंड आउट द प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी फंड। और हमने ये भी बताना है कि हमारा जो है प्रोविडेंट फंड कितना है और ग्रेजुएटी कितनी है अगर हमारी सैलरी जो है वो 12,000 हो तो। तो दोस्तों, ये है हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और हम पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्यूटी का, जिसमें आपके पास फी है। फी से मुराद जो है आपकी शुरू वाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 1 - 1+i और उसकी रेव टू द पावर -n और डिवाइडेड बाय i। अब इसके अंदर फी, फी से मुराद कॉन्स्टेंट कैश फ्लो है आपका, और 1 रहेगा, आई से मुराद इंटरेस्ट रेट है, और n से मुराद नंबर ऑफ ईयर्स हैं। अब देखें, हमारे इस केस के अंदर 670 जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है हर साल की, और उसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं फॉर्मूला के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 1 - 1+i। आय जो है हमारे पास 8% है और उसकी रेव टू द पावर -5। जब हमने 1+i किया तो हमारे पास 1.08 और उसकी रेव टू द पावर -5 हो गई, और जब हमने वो पावर ली तो हमारे पास 0.6805 जवाब आ गया। जब हमने 1 में से माइनस किया 0.6805 तो हमारे पास जो जवाब बचा है वो बचा है 0.3194,
और उसको हमने मल्टीप्लाई जब किया 2000 के साथ, 670 के साथ, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है और गलत आई थिंक के कैलकुलेट हो गया। तो मैं दोबारा यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके आपको दोबारा जो है वो करके दिखा देता हूँ कैलकुलेट, ताकि आप जवाब बिल्कुल ठीक निकाल सकें। तो हमारा 0.3194 मल्टीप्लाई बाय 670, तो हमारा जो जवाब आ रहा है वो जो है यहाँ पे वो आ रहा है 213। तो हमने जो है आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक हो गई है। तो आप 670 मल्टीप्लाई बाय 0.3194, तो 213। तो आप इस फॉर्मूला के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करके जवाब निकालिए। आई थिंक ये जवाब भी जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग है, ये बल्कि ज्यादा अमाउंट होगी। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें हमने माइनस किया है 1 माइनस 0 पॉइंट। मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ जी, यहाँ पे 1 माइनस 0.685, 6805, तो हमारे पास जवाब 0.1935 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 670, तो ये 214 आ रहा है, तकरीबन वही आ रहा है। तो आप इसे एक बार, फॉर्मूला मैंने बता दिया है आप लोगों से शेयर कर दिया, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमें बताया गया कि हमने कैलकुलेट करना है 12,000 हमारे पास सैलरी है, और हमने कैलकुलेट करना है हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल्स, कन्वेंस अलाउंस और साथ ही जो है प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी फंड। तो ये हमारे पास जो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाउस रेंट। हाउस रेंट जो है वो 45% ऑफ द सैलरी होता है। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें हैंडआउट्स के अंदर, मैंने भी वही रेट्स लिए हैं। यहाँ पे 12,000 मल्टीप्लाई बाय 45%, तो हमारे पास 5,400 जो है वो हाउस रेंट आ जाता है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल जो है वो 2.5% होता है हमारी सैलरी का। ये हमारी जो है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो ये हमारे पास 300 आ गए। इसी तरह हमारे पास जो कन्वेंस अलाउंस है वो भी हमारा जो है 2.5% होता है, तो वो भी एफ ए इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो ये भी 300 जो है हमारा कन्वेंस अलाउंस आ गया। अब हम जो इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी की। अब ये प्रोविडेंट फंड जो है वो हमारा 1/11 होता है, तो हमने लिखा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/11, तो ये हमारे पास 1,090 बन जाता है। उसके बाद इसी तरह हमारा जो ग्रेजुएटी फंड है वो भी 1/11 होता है। यहाँ पे 45% लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला जब मैंने नीचे कॉपी किया तो इसलिए ये 45 आ रहा है, तो आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे 1/11 मतलब 1/11 लिखना है 45% की जगह पे। तो ये आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1/11, ये भी हमारा 1,090 बनता है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब पिछले क्वेश्चन में भी वो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से वो गलत हो गया, और यहाँ पे भी जो है वो 45% की बजाय 1/11 लिखना है आपने, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट। मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप www.youtube.com/teachersonlineforyou पे जाइए, वहां पे आपको CF101, MGT101, CF201, MGT201, HTML के बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सीरीज ऑफ लेक्चर, आप उनसे भी फायदा उठाइए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियोज। दोस्तों मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ, जिसमें कोई असाइनमेंट सॉल्यूशन या GDB सॉल्यूशन के हवाले से। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।